हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वंस अगेन वी आर गोइंग टू लर्न सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट नंबर 2, सिस्टम ऑफ रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। तो पहले सिस्टम ऑफ रियल नंबर के कुछ हम प्रॉपर्टीज और रियल नंबर के हम एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो जब द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, इसमें से हमें देखना है कौन सा रेशनल नंबर है। तो देखिए, आए देखते हैं, देखें क्या ये रेशनल नंबर है। हमें पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी और क्यू फॉर्म में आ जाए, यानी कि रेडिकल में से निकल जाए, वो नंबर जो रेडिकल से आसानी से निकल जाए वो क्या कहेंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम कहेंगे वो रेशनल है, अदरवाइज वो रेशनल नहीं होगा। अब देखें 2 का 6 का फैक्टर क्या क्या निकलेगा, यानी कि ये फैक्टर रेडिकल में से नहीं निकल रहे तो ये तो रेशनल नहीं होगा, और ये भी रेशनल नहीं है। और 9 का रेडिकल हमें पता है 3 आता है, तो देखिए ये रेडिकल में से निकल रहा है तो हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। देखें क्यों, क्योंकि इनके पेयर जो बन रहे हैं ना हमारे, 2 बन रहे हैं 9 के, तो 3 पावर 2 लिख सकते हैं। अब रेडिकल का मतलब क्या होता है, पावर का नंबर 2 में कैंसिल हो गया, देखें 3 पावर 1 रखें हो गया। तो देखें ये जो नंबर है वो पी और क्यू फॉर्म में है, 3 और 1 फॉर्म में आ गया, तो हम क्या कहेंगे ये रेशनल नंबर है। ओके, तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रेडिकल में ही रहते हैं और रेडिकल से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हम क्या कहेंगे एक भी नंबर रेडिकल के अंदर बच गया तो हम क्या कहेंगे वो इरेशनल होगा। रेशनल और इरेशनल दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा रियल नंबर बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, व्हिच स्टेटमेंट ट्रू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो देखना है। अब ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का। हाँ, नेचुरल नंबर हमें पता है, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू 16, ये है नेचुरल नंबर। और उसके बाद इंटीजर है, इंटीजर हमें पता है 0 ± 2 ± 3 ± 16 ये होते हैं इंटीजर्स। और उसके बाद इंटीजर जो है ना होल नंबर, अब होल नंबर हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू 16। तो देखिए नेचुरल नंबर तो इसका सबसेट होगा मगर होल नंबर इसका सबसेट तो नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी तो ये गलत है। अब यहाँ पर चेक करें, नेचुरल नंबर होल का सबसेट है, बिल्कुल है प्रॉपर सबसेट, और होल नंबर रेशनल का है, रेशनल रियल का है। अब रियल इंटीजर का तो हो ही नहीं सकता, इंटीजर का हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रियल जो है पी और क्यू फॉर्म में नंबर आ जाते हैं, ये तो खाली आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, होल नंबर। ठीक है, इंटीजर से, तो इंटीजर जो है ना वो सुपर सेट रियल का नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब यहाँ पर देखें, नेचुरल नंबर होल का सबसेट है, बिल्कुल है, और होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का, और इंटीजर जो होता है ना वो सबसेट रेशनल का होता है, और रेशनल सबसेट किसका होता है, रियल का, क्योंकि रेशनल के सारे एलिमेंट रियल के मौजूद होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है और सी। ठीक है, आगे बात समझ में, तो देखिए ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर देखें, फॉर ऑल, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ऑल ए भी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए भी कोई भी नंबर लें मगर रियल में मौजूद होने चाहिए। अब दोनों को ऐड करें ना तो वो भी हमारा रियल ही आएगा, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमें पता, दो कोई भी रियल नंबर ले लें आप, 2 और 4 ले लें, ये दोनों के दोनों रियल हैं। अब दोनों को ऐड करेंगे ना तो क्या आएगा, 6। तो देखिए 2 नंबर मिले थे, अब 1 नंबर में क्या हो गया, क्लोज, क्या हो गया, क्लोज बंद हो गया, तो हम क्या कहेंगे, क्लोज का मतलब बंद हो जाना, 1 नंबर में कन्वर्ट हो जाना। तो देखिए 2 नंबर थे, 1 नंबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे इससे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये देखिए, ये भी ऐसे ही जनरली इन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो भी रियल में मौजूद होगी तो हम क्या कहेंगे इस प्रॉपर्टी को क्लोजर, मगर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन देख लें, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कौन सी है, ये वाली हो गई। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देख, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है ना बी से बड़ा है और बी जो है ना सी से बड़ा है, ए नंबर जो है ना बी से बड़ा है और बी जो है ना वो तीसरे नंबर से बड़ा है सी से, इंप्लाइज दैट ए जो है ना वो सी से बड़ा लाजमी होगा, जब ए बी से बड़ा है और बी किससे बड़ा है सी से, तो लाजमी ए जो है ना वो सी से क्या होगा, बड़ा।
तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ये देखना, ये इनिक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। देखें, सपोज हमें पता है ए जो है सपोज 2 है और बी है 1 है, सी 0 है। अब देखें ए जो है वो बी से बड़ा और बी जो है वो सी से बड़ा, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ए जो है ना वो सी से ग्रेटर होगा, है ना। तो अब इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक नहीं होती, ट्रांजिटिव होती है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव। याद रखना ये प्रॉपर्टी का नाम। अब यहां पर देखें, इफ इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, जब एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स दोनों का आंसर सेम आ जाए और सबके लिए एक्स और वाई सबके लिए हमें सारे सारे एलिमेंट किसमें मौजूद होने चाहिए? रियल में, एक्स और वाई कोई भी हो, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? तो देखिए, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? ये क्या होगा? कम्यूट होगा, मगर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डॉट होता, तो हम कहते ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन। याद रखना, माइनस और डिवाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, जबकि प्लस और मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस और प्लस, माइनस और डिवीजन नहीं करते, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन सिस्टम ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया।